डॉक्टर राम नारायण ध्रुवे जी, इन्होंने मैं आज पहली बार सुन रहा। कौन सा विधायक आपके गीतकार है? और बहुत बड़े गीतकार है कहा थे, तो मैं भी माना था जब बोला थे बहुत बड़े गीतकार है, माना था और सुनाई तो पता लगी। ओकर बाद जेकर कारण हम फंसे और जेकर पास हमर फंसे, यादव जी, हरीश यादव, शरद यादव, एक शरद यादव तो वो वहाँ दिल्ली में है राजनीति में, वो याद मतलब यादव मतलब बेहू जाही ऊपर है राजनीति में जाही। वो शरद यादव के तबीयत खराब कर रहा था, यही शरद यादव का शपथ ग्रहण ली आने वाले समय में। लेकिन एक बात है, जिस उम्र में इनको आशिकी करनी चाहिए, जिस उम्र में पांठेला में खड़े होकर आने जाने वाले लड़कियों की उम्र गिननी चाहिए, उस उम्र में इन्होंने साहित्य को जिंदा रखा, वो भी गांव में जिंदा रखा, झांझी में जिंदा रखा, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। ये उम्र जो बहकने की उम्र है, ये उम्र जो लचकने की उम्र है, ये उम्र जो गाने और मटकने की उम्र है, उस उम्र में इसने साहित्य को जिया, कविता को जिया, कला को जिया। इसलिए मेरा छोटा भाई है लेकिन फिर भी इसके काम से मैं खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद भी है कि वो खूब आगे बढ़े और खूब अच्छा करे। उगर बाद ये जनो बैठे बिहार कोट वाले गाना है नव बिहार हो तीन दिन यहाँ काम नहीं तो लगे घर में रसमलाई रखे यहाँ खाली गर्म खाए बन बैठे। मैं पहली बार कोई कभी देखे भाई जेकर तीन दिन बिहाव हो यहाँ बैठे। अब मैं समझ गया ये कवि हो ही तो का ही तू ही पहला दिन, पहला दिन ये निश्चित तौर पे अपन भाई ला एक कविता सुनाई सुनी निश्चित सुनाई सुनी। और भाई यहाँ कुछ नहीं बोली सुनी, हमारे छत्तीसगढ़ के औरत बड़ा बड़ा संकोची होते, बहुत संकोची होते, हमारे बेटी में बहुत संकोची होते, हमन होते खुले नहीं रहा, कपड़ा भला ही हम एडवांस पहनना है तो जीन्स और टॉप पहनना है, लेकिन हमारे मेंटिलिटी है संस्कृति ला जिंदा रखते, हम परिवार से जुड़े रहते। कविता सुनाई सुनी जगह भाई है मुँह रुका बैठी मुंह मत झुका ताली बजा ताली काबर गीत का रहे हो ताली बजवाई। एक बार नवा नवा तीन दिन के भाग निकलता दूल्हा, उनके लिए ताली बजाओ जोरदार। कतेक बड़े त्याग करके कविता बनाए बताओ, और वो काकर बनाए संगीता सरगम हमारे छत्तीसगढ़ के जिन कल्चर है जिन संस्कृति है बड़ा मजबूत है। मोरे यहाँ भाभी के शादी मोर भाई के शादी हुए लोरमी में, तखतपुर लोरमी पंडरिया लोरमी। मैं आठवीं पढ़ा तो रहा था, अपन आठवीं दसवीं पढ़ा था, अपन भाभी लेवर गया तो एक नवा टोली विदा होकर है, वो लेवा लोकर कर दूल्हा आए दिन से पठौनी होते रोज कटहल कटहल के रोवे टोली नहीं जाऊँ बाबू नहीं जाऊं बाबू जैल पर ही बेटा जैल पर ही बेटा नारी पुरानी घरे चाय चुरा पर ही बेटा नहीं जाऊं बाबू उसके करो मैं हंसा। तो मोर भाभी कहा तुमको शर्म नहीं लगे पूरी विदा होते तुम हंसा था? मैं कह कर नाटक के पूरा अभी थोड़ा देर बाद देखबे सेकंड जब सीन आई तब पता चलिए वाह बेटी विदा होते रोवत है ऊपर दाई दादा सब भौजी भैया सब बैठे हैं वह मन रोवत है बेचारा और तुम का सेकंड सीन की बात पर थोड़ा धीरे धर्म भौजी अभी देखा तो।